लाओ राम को सिर्फ पत्थरों में, मूर्तियों में और मंदिरों में नहीं, अपने नेचर में। जिस दिन यहाँ पे राम आ जाएंगे ना, उस दिन मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि सिर्फ जो राम आएंगे, वो गाना ना राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो राम आ ही जाएंगे तो फिर अंगना सजाने का कोई फायदा नहीं है, बट आए तो यहाँ आए, यहाँ पे तब मजा आ जाए। बहुत खुशी है लोगों को यार। नहीं सुबह से तो मेरे यहाँ भी बज रहा है, मुझे लगा कि जो है दिन भर चलेगा, क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन शुक्र गुजारूं कि मैं थोड़ा सा, वो लोग शाम को थम गए थे। और अच्छा है नॉइस पोल्यूशन चीजें करके, और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, भगवान जीव पूरी सृष्टि के रचयिता है, आखिर में हमने उन्हें आज पैदा कर ही दिया है ना। लाखों हजारों करोड़ों जो स्पीसीज को पैदा करने वाले भगवान, हम उनको क्या ही कर सकते हैं भाई। और पता नहीं लोग गीता का पाठ क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, बट ठीक है, खुशियां आप भी खुश रहिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो समथिंग इज पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है ना, कुछ तो अच्छा हो रहा है। अरे अभी देखो कुछ नहीं बोलने का कहीं पे भी है ना, क्योंकि अभी जो है कुछ भी बोलोगे तो तुरंत एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाओगे। लॉजिक हो चाहे ना हो, अपनी बात मन की बात रखो ना, तो अगर आपने कुछ भी इधर का उधर बोला कि आपको पसंद नहीं आ रहा, मेरे नौकरी कहाँ है, ये चीजें कहाँ है, ऐसी चीजों पर बिल्कुल नहीं करना है ऐसी चीजों पर बात। देखो मेरा दोस्त एक है, वो बोलता है कि भाई क्यों पीछे पड़े रहते हो नौकरी के, मैं कहा भाई करूंगा कैसे फिर मैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो लोग बोलते रहते हैं। मैं कहा यार मुझे नौकरी तो चाहिए ना अपने घर की सर्वाइवल के लिए, मैं छोड़ देता हूँ सब चीज, मैं उसी में लीन हो जाता हूँ, मुझे बस दिनचर्या चला दो, अब बिना भूखे तो मैं मर जाऊंगा, कुछ तो खाने के लिए चाहिए, ठीक है, लोग मानता ही नहीं है फिर उसके बाद। और हर कोई एक जैसा तो हो ही नहीं सकता, हर कोई ना बिजनेसमैन बनेगा, हर कोई ना बॉस बनेगा, ना हर कोई एम्प्लॉय बनेगा, ना हर कोई वहां पे जाएगा, एवरीवन इज यूनिक एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं, और एकता में ही बिलीव रखनी चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज कम से कम ये हो रही, थोड़े से लोग एकजुट हो रखे, जो मुझे अच्छी लगी कि कम से कम किसी बहाने सही लोग थोड़ा सा एकजुट हो रखे। लेकिन अच्छा है इसके बाद थोड़ा सा कैरेक्टर में अगर ऐसी चीजें आ जाए ना, तो लिटरली सोने पे सुहागा हो जाए, तो मैं इस चीज को बड़ा बेहतर मानूंगा, अगर थोड़ी सी सुधार आ जाए लड़कियों के लिए। अगर सबके अंदर रावण तो घुसा ही रहता है, राम सभी के अंदर, पता आइडियोलॉजी जब कभी रामायण पढ़ोगे ना, तो उनसे सीखने वो डेवलप किया गया था कि लोग उनसे सीखें, उनका अनुसरण करें, उनके जैसा बनने की कोशिश करें, लेकिन लोग उनको ही पूजनीय कर देते हैं, मतलब जिसको आप पूजने लगते हैं फिर आप उनके जैसा बनना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली बात वही होती है कि पूजनीय रखो लेकिन थोड़ा सा अनुसरण करो, थोड़ा सा उनके कैरेक्टर्स को, महादेव की बात है चाहे हनुमान की बात है, हनुमान से क्या सीखते हैं, पावरफुल होना चाहिए, निडर होना चाहिए, वो सारी चीजें। राम में भी बहुत काम होना चाहिए, निडर थे वो भी, कितने अच्छे लीडर थे, जब भी वो राजपाट की सोचते थे तो था, कितने अच्छे बेटे थे। आज वही लोग जो अपने माँ बाप को छोड़ के जो है गुड़गांव और दिल्ली में जो है 1 BHK 2 BHK के फ्लैट में मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, जिनके माँ बाप को टेंशन नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो लोग जो है वो इसके पे स्टेटस डाल रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि आप सीखे क्या हो फिर आप, अगर दशरथ की बात को सीरियसली सोचो कि एक बार उन्होंने कहा, उन्होंने सर झुका के जो है चले गए वो 14 साल, इतनी चीजें हैं जो उनके चीजों से सीखना चाहिए और आज के टाइम में उसे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन करते ही नहीं लोग, बस पढ़ के आहा कितनी अच्छी चीज हो रही है, दैट्स वी शुड लाइक, हमें आइडियलाइज करना चाहिए उन्हें, जो है इंस्पायर होकर अच्छा बनना चाहिए। मेरा मतलब लाओ राम को सिर्फ पत्थरों में, मूर्तियों में और मंदिरों में नहीं, अपने नेचर में। जिस दिन यहाँ पे राम आ जाएंगे ना, उस दिन मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि सिर्फ जो राम आएंगे, वो गाना ना राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो राम आ ही जाएंगे तो फिर अंगना सजाने का कोई फायदा नहीं है, बट आए तो यहाँ आए, यहाँ पे तब मजा आ जाए यार, उस दिन लगेगा कि हाँ सच में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन यहाँ आना चाहिए, ठीक है।